मुख्यमंत्री, आज आपका भूख हड़ताल का 21वां दिन हो गया और अभी तक आपको न्याय नहीं मिला, तो आप क्या कहेंगे? मेरा कहना बस इतना ही है प्रशासन को, नेता सबको, कि आप लोग मतलब झारखंड राज्य के हैं और गरीबों के बारे में हर भाषण में मैं सुनती हूँ, यहाँ पे आते हैं तो मैं सुनती हूँ गरीबों के बारे में। स्पेशली आप लोग का हर वाक्य गरीब से शुरू होता है, पर हम इतने दिन से हैं तो ये दिख नहीं रहा है कि आप कितना गरीबों के प्रति कितना निष्ठा भाव रखते हैं। प्रशासन भी बोलते हैं कि सबसे पहला काम है गरीबों को इंसाफ दिलाना, कोई उन पर अत्याचार ना करे। कोई भी सरकार बनाने से पहले कोई भी युवा नेता हो सबसे पहले गरीब का नाम लेता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। आज हम लोग के साथ पूरे झारखंड राज्य को पता चल गया हुआ है कि गरीब मतलब क्या होता है, गरीब का साथ जो हो रहा है उस हम लोग के साथ जो हो रहा है, गरीब जो दबे कुचले हैं उनके साथ, सबको आज प्रूव्ड हो गया कि गरीब का क्या अहमियत है पूरे झारखंड में। हम लोग तो अंतिम क्षण तक संघर्ष करेंगे, मेरा एग्ज़ाम है 6 तारीख से, अगर हमको यहीं से एग्ज़ाम देने जाना पड़े तो हम मेरे लिए कोई आपत्ति बात नहीं है। बहुत बुरा लगता है कहने के लिए कि प्रशासन में इतने पढ़े पढ़े वरिष्ठ अधिकारी हैं पर आज वो किसी नेता के दबाव में अपना फर्ज भूल रहे हैं। जहाँ तक कि मैं अपना लाइफ में अब IAS अफसर बनना चाहती हूँ, लेकिन गरीब आप खुद के जीतने के लिए नहीं, उन गरीबों को जिताने के लिए, कि गरीब भी जीत सकते हैं, गरीब भी लाचार नहीं होते हैं, बस वो समय के साथ दब जाते हैं, नेता के आगे दब जाते हैं, अपने परिवार से दब जाते हैं, पर हम लोग नहीं दबे, आगे तक हम लोग चलेंगे। आपने का एग्जाम है? मेरा हिस्ट्री ऑनर्स है, BA फर्स्ट ईयर बागमारा कॉलेज, 7 तारीख से एग्जाम है मेरा, 7 जून से। आपका संज्ञान पास है, क्या उनसे कुछ अभी तक आश्वासन नहीं मिला? अभी किस्मा दिन हो गया। नहीं, सबका बस बोलना है कि अभी चुनाव का समय है, जबकि 3 महीना से हमको लगता है ऐसा कोई बात नहीं रहा है। सब SDO सर ने भी, CO थाना प्रभारी ने भी हम लोग को आश्वासन दिया था 15 दिन तक के काम को, तो लोग चाहे तो 15 दिन में बहुत कुछ कर सकते थे। अपना अधिकारी जो खुद का अधिकार रखते हैं वो अपना अधिकार का यूज़ करके एक गरीब को न्याय दिला सकते थे, लेकिन वो ऐसा कुछ किए नहीं, जिससे आज प्रूव हो गया कि चुनाव एक सिर्फ बहाना है बस हम लोग को सताने का। उन लोगों ने सबने जहद बहुत जहद किया हम लोग को यहाँ से उठाने का, हॉस्पिटल ले गए, ये किए वो किए, पर हम लोग अपना स्थान में डिगे रहे। और कल ये हम लोग का गांव में भी प्रूव हो गया कि सच्चाई का जीत होता है। हमारे गांव में मेरे विनोद चाचा हैं जो मुखिया प्रत्याशी में जीते हैं, वो मतलब बहुत ही अच्छे आदमी हैं, वो बहुत काम किए हुए हैं और वो अपना हुनर से जीते हैं, तो कहीं ना कहीं ढुल्लू मतों की हार हुई है और हम लोग की में फिर से एक नई ऊर्जा जागी है कि हम लोग को न्याय मिलेगा। सच्चाई होता है, भगवान भी होते ही है। सुनने में आया कि आप नरेंद्र मोदी को लेटर भी लिखे हैं? हाँ, मैंने नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है और माननीय नरेंद्र मोदी से मेरी एक ही आशा है कि वो इस पे जल्दी कार्रवाई करेगा। मैंने लेटर में यही लिखा है कि सर, झारखंड में कोई भी ऐसा नहीं है जो हम लोग को न्याय दिलाने के लिए काबिल है, क्योंकि हम लोगों ने सबके द्वार गए, किसी का ऐसा बात नहीं कि हम लोग से बात नहीं हुआ। मुख्यमंत्री तक DC को आदेश दिया गया, लेकिन जब मुख्यमंत्री का बात भी DC नहीं मानते, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात रही होगी कि एक गरीब को नहीं सुना जा रहा है, बहुत मुख्यमंत्री या हो सकता है प्रशासन के बीच में एक बहुत बड़ी बात रही होगी, जिसके लिए हम लोग का मामला छोटा हो गया, बहुत छोटा। इसलिए हमको लगता है अब देश से ही आशा करना है, क्योंकि गांधीवादी रास्ते से तो हम लोग को लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि गांधी ही एक ऐसे थे जो अनशन के द्वारा ही देश को आज़ादी दिलाए हैं, अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं, और हम लोग भी गांधीवादी रास्ता से ही जीत हासिल करके ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो इतिहास था और आज की सच्चाई है। क्या लगता है बाबा, आखिरी आशा नरेंद्र मोदी? हाँ, आखिरी आशा हम लोग को अब देश से है, झारखंड राज्य से नहीं है, देश से है। और देश ही फिर इस प्रशासन जागेगा, जो करना है प्रशासन को ही करना पड़ेगा, लेकिन किसी के दबाव में आकर ही करना पड़ेगा, ये तो प्रूव हो गया है। अब वो दबाव मुख्यमंत्री से भी नहीं हुआ, पूरे यहाँ के जो स्टेट के हम लोग के नेता है उन लोग से भी नहीं हुआ, तो मुझे लगता है माननीय मोदी जी ये समझेंगे कि झारखंड की स्थिति कितनी दयनीय है,
झारखंड अब कितना अंदर तक धंसता जा रहा है, मतलब यहाँ में जो इतना सारा काला काम हो रहा है, यहाँ से झारखंड के हर लोग लिप्त हो चुके हैं, नेता प्रशासन, और ये माननीय मोदी जी को समझना पड़ेगा और हम लोग के लिए भी कुछ करना पड़ेगा और झारखंड राज्य के लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग का झारखंड राज्य समाप्त होने के अब बहुत ही नज़दीक आ गया है। पर कल परसों तो नहीं आए थे, कल आए थे। क्या बोला उन्होंने? बोला कि वैसे तो अब हम लोग का शरीर में वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गया है, पानी डाब जूस, अब हम लोग मतलब अपना सेहत का ख्याल रख रहे हैं खाना छोड़कर, लेकिन डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि तुम लोग का भी मतलब शरीर बस वीकनेस है, बस पानी पियो और रस पियो और कुछ बोल नहीं सकते वो। क्या लगता है ये ऐसा कब तक चलते रहेगा? पता नहीं, हम लोग को तो अब किसी से आशा नहीं रहा है, झारखंड राज्य में तो नहीं ही, अब देश से ही आशा रहा है, अब क्या होगा वो भगवान के ही हाथ में है। नहीं, हम लोग हिम्मत नहीं हारे, हम लोग का आशा अभी भी है, हम लोग इस टाइम में ऐसे टाइम में खड़े हुए हैं कि पूरा झारखंड राज्य के नेता और प्रशासन एक साइड है और हम लोग एक साइड है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये भूख हड़ताल खत्म नहीं, जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिल जाता हम लोग को दुकान बस खोलना है, पहले भी हम लोग ने एक ही बात बोला, हम लोग को दुकान खोलना है बस, हम लोग को वही मजदूरी करना है, हम लोग को थोड़ा सा ही काम है, थोड़ा सा ही धन से हम लोग अपना जीविकोपार्जन कर लेंगे, मेहनत करके ही हम लोग कमाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए बस वही हम लोग का साधन है, चाहे जो भी करवाए लेकिन हम लोग को दुकान खोलना है। इतने दिनों में आप डीसी साहब से मिलने गए थे? डीसी साहब अभी चुनाव में व्यस्त है, हम लोग बहुत बार पता किए लेकिन डीसी साहब अभी नहीं बैठते हैं। कल भी गए थे, कल बैठे थे तो हम लोग जाते जाते वो चले गए। कितने दिन